जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए देखिए क्लास नाइन्थ का जैक बोर्ड 2024 का सब्जेक्ट का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव के आंसर के लेकर आए हैं। आप लोग इसको जल्दी से मिलाइए और अपने स्कोर को पता कीजिए कि आपने कितना सही किया, ठीक है। और देखिए नंबर वन कर रहा है फ्रांस का सम्राट लुई सोलह के न्यायालय में न्यायालय के द्वारा निम्न से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? किसानों पर अत्याचार के लिए, देशद्रोह के कारण, जनता के शोषण करने के कारण, उनमें सभी देशद्रोह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए? तो दायित्व करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने, पादरी वर्ग के सदस्यों को भी विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने, धार्मिक कर समाप्त कर, चर्च की स्वामित्व मूल जब करना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है औद्योगिक समाज का एक पूंजीवाद समाज है या किसका कथन था? तो कार्ल मार्क्स। रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? तो 1905 ईस्वी की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉप्स योजना किसने बनाई थी? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। अमेरिका। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती कहलाती क्या है? अति मुद्रा अस्फीति। वनों को लुप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वन विनाश, प्रदूषण, वानिकी, वन उत्पादन। वन विनाश। गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मी लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो HP, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1871 में ब्रिटिश अपनी सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से एक कानून का नाम क्या था? तो आपराधिक जनजातीय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदुई बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चरवाहे समुदाय के नाम है। इस चरवाहे समुदाय किस देश में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा देश बीस की रोटी की वाली टोकरी के नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान। अमेरिका। पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंग्लैंड। इंग्लैंड। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, हिंद महासागर में। निम्न से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक जुवा स्थलाकृति को दर्शाता है? अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी, हिमालय। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया गया? हिमालय, श्रीलंका उत्तरी मैदान, पृथ्वी पठार, तटीय मैदान, मरुस्थलीय मैदान, इनमें से सभी। सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती? तो नदी है बहा कर लागी मिट्टी को, तो जलोढ़ मिट्टी। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। मार्ग अपने ऊपरी भागों को किस प्रकार से करते हैं? अपर्दन, परिवहन, ये सभी होगा इसमें। पूर्णा, वर्धा, प्रणता, मांजर निम्न से किस नदी की सहायक नदियाँ? कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। गोदावरी नदी। कर्कवृत्त पश्चिम के कच्छ करण से लेकर देश के मध्य भाग में होने होकर पूर्व के भारत के किस राज्य से गुजर हुई थी? देखिए इसमें तो मिजोरम और त्रिपुरा दोनों होगा, ठीक है, तो त्रिपुरा इसमें हम लगा दे रहे हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार के हवाएं से अत्यधिक प्रभावित है? तो मानसूनी हवाएं। प्राय कृषि कहाँ की जाती है, मतलब खेती कहाँ होता है? तो उपजाऊ भूमि पर होता है, असमतल भूभाग पर भी होता है, टेढ़ा मेढ़ा मतलब असम में होता है, चाय के उत्पादन, जंगल तथा घास के मैदान में, सभी जगह होता है। स्थलीय जलवायु मृदा अपरदन तथा नदियों के धार को निम्न से कौन नियंत्रित करती है? ये आपका वन आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से? जन्म, मृत्यु, प्रवासन, सभी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? संविधान आप उसको देता है।
संविधान में अधिकार है। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सही नहीं है? आयोगियों की पूजा, तो लोकतंत्र में आयोग की पूजा होती है। जनमत पर दायित्व शासन भी होता है। अनुत्तरदायी शासन धनवानों की प्रबलता, ये अनुत्तरदायी शासन ये आपका नहीं सही है, बाकी वह सब सही है। संविधान, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त रखे। यह कदम 1931 में अपनी पुस्तक यंग नियम किसने लिखा? MG गांधी, महात्मा गांधी। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहाँ निम्न से क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला? रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नस्ल के लोगों को मिली जुली सरकार बनी, गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। इनमें से सभी किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? चुनाव, संवैधानिक संयुद्ध, इनमें से चुनाव। भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न से कौन सा अधिकार प्राप्त है? चुनाव प्रक्रिया के संचालन का निर्णय लेना, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, सरकार को दिशा निर्देश मानने का अधिकार देना। इनमें से सभी। निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार के अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के पहचान के उद्देश्य के एक ऐसा आयोग का गठन किया था, उस आयोग को किस नाम से जाना था? विधि आयोग, मानवाधिकार आयोग, योजना आयोग, मंडल आयोग। निम्न से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। पलमपुर गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार हैं? 80 परिवार। निम्न से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन माना जाता है जो स्वयं किसी मनुष्य किसी वस्तु को उत्पादन नहीं करते? भूमि तथा उर्वरक, भूमि तथा पूंजी, भूमि तथा कितना, इनमें से कोई नहीं। जब प्राकृतिक संसाधन भौतिक पूंजी के अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इसे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं? खाद्यान्न का, शिक्षा का, चिकित्सा, इनमें से सभी। जब प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। निरंतर रेखा का आकलन समय समय पर समांतर 5 वर्षों निम्न से किसके माध्यम से किया जाता है? राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न से किस कारण से निरंतर कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? उच्च कृषि दर, उच्च जनसंख्या दर, उच्च बेरोजगारी वृद्धि दर, उच्च स्वास्थ्य दर, उच्च कृषि वृद्धि दर। सरकार निम्न से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव कर सकती है? आवास और शहरी विकास निगम, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, लघु राष्ट्रीय उद्योग निगम। भारतीय खाद्य निगम। धन्यवाद।